समझ खबर। खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां प्रतापगढ़ जिले में अब चुनाव दिलचस्प हो गया है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी को लगातार जनसमर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रही है। इस दौरान बसपा प्रत्याशी आशुतोष त्रिपाठी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कृष्णा पटेल और अनुप्रिया पटेल को एक साथ बताते हुए भाजपा और सपा पर सीधे तौर पर निशाना साधा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है आशुतोष त्रिपाठी का और उन्होंने क्या आरोप लगाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी राजनीतिक दल हैं या जो भी लोग हैं राजनीति, उन्होंने सदर विधानसभा को एक चारागाह बना रखा है। और देखिए, मैंने कई बार कहा कि सपा और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप यहाँ की स्थिति पे आएंगे और ये देखेंगे अगर, तो माँ कृष्णा पटेल समाजवादी समर्थित पार्टी समाजवादी पार्टी से समर्थित उम्मीदवार है, और उनकी बेटी जो कि भारतीय जनता पार्टी में है, वो अनुप्रिया पटेल, वो जो है उनके समर्थन में, राजमाता जी के समर्थन में उन्होंने अपने प्रत्याशी को यहाँ से वापस ले लिया है। तो ये ठगने वाला काम है, जनता को ठगा जा रहा है। एक माँ और बेटी मिलकर जनता को ठग रहे हैं, और ये दोनों भाजपा और सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये बात जनता जान चुकी है। और आगामी 27 तारीख को जनता इसका माकूल जवाब उनको देगी।